अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं मौजूद हूँ करोट में और आज मैं आप लोगों को नज़ारा कर रहा हूँ करोट रिज़र्वायर का, जो एक मुख्तलिफ एंगल से वीडियो बना रहा हूँ। मैं इनसाइड करोट में मौजूद हूँ। सामने आपको ये गांव नज़र आ रहा होगा, इसको इसका नाम है घोड़ा राजगान और ये पानी के बिल्कुल करीब है। रिज़र्वायर बने तो पानी बहुत ऊपर आया है, पानी भी बहुत साफ़ है, क्लियर एंड क्रिस्टल है, बहुत साफ नज़र आ रहा है पानी। आज बहुत खूबसूरत भी हुए और रिज़र्वायर का बहुत खूबसूरत भी हुआ नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़े रिज़र्वायर है। ये सामने ये पावर हाउस इंटेक है, इसके अंदर से पेन स्टॉक के अंदर से जो है ना टर्बाइंस लगे हुए, तो ये बिल्कुल हेडरेस्ट टनल है, इसको हेडरेस्ट टनल कहते हैं, पावर हाउस इंटेक भी कहते हैं इसको। और इसके साथ ही नीचे साइड पे स्पिलवे है, करोट का स्पिलवे है, इस पर अभी भी काम जारी है। स्पिलवे भी ऑलमोस्ट ये सामने नजर आ रहा है, जिस पर अभी भी काम जारी है। पाकिस्तानी और चाइनी स्टाफ लगे हुए काम कर रहे हैं बहुत तेजी से। ये सामने ये स्विच हो गया, पुल से आगे जो है ना ये आज़ाद कश्मीर का इलाका स्टार्ट होता है और पुल से इस पर ही पाकिस्तानी पंजाब का इलाका है, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और तहसील कोटा का इलाका है। तो ये पुल ही जो है ना इसका बॉर्डर है पाकिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर। तो इंशाल्लाह इस महीने जून की एंड पे इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी होने वाले। दो टर्बाइन ऑलरेडी चल रहे हैं और ग्रिड में बिजली दे रहे हैं, लेकिन एक टेस्टिंग जून को 2022 को इंशाल्लाह चारों यूनिट स्टार्ट हो जाएंगे और 720 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में इंशाल्लाह शामिल होगी। ये ट्रांसमिशन लाइन है, इस प्रोजेक्ट का ट्रांसमिशन लाइन है। तो फिर से करोड़ से वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए आता है।